आज भारत आदिवासी पार्टी के आज यहाँ कार्यक्रम जेजी घाटा में हो रहा है, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जब जब हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट आए, तब तब कहीं कहीं से इस देश में चिंगारी उत्पन्न हुई और जिस चिंगारी से इस देश को आजादी भी मिली थी, उसी तरह हमारा देश अस्तित्व में हो रहा है। आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, न्यायिक शोषण और विकास के नाम पे बिल्कुल छोटे वादे दिए जा रहे हैं और हमारे देश के संवैधानिक अधिकार है, हक अधिकार जो आज तक धरातल पर लागू नहीं किए गए। हमारा देश जब 1947 को आजाद हुआ, इसके बाद हमारे देश में यह मानना था कि हमारा देश संविधान से चलेगा, लेकिन आज भारत देश में संविधान से न चलकर व्यक्ति विशेष व्यक्ति के नाम पर देश को चलाया जा रहा है, जबकि पार्टी के नाम से सुना लेते हैं और व्यक्ति विशेष के नाम से इस देश को चलाया जाता है। इस तरह से इस देश में इतना शोषण हो रहा है कि आज मणिपुर से लेकर मतलब इस देश के किसी कोने में देखा जाए तो कहीं व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस देश को बचा सकती है तो भारत आदिवासी पार्टी इस देश की संविधान और व्यवस्था को बचा सके, इस देश की आर्थिक दशा को सुदृढ़ कर सके। इसलिए एक सिंगारी आज जेजी घाटा से निकल रही है, जो कि हमारे यहाँ पूर्वजों ने भी कई क्रांतियां करी और विशेष कर मैं कहना चाहता हूँ कि यह बेणेश्वर धाम की धरती बेणका और बेणका में उत्पन्न हुए हमारे मावजी महाराज। मावजी महाराज ने पूरे विश्व के बारे में भविष्यवाणी की थी कि सोता युग में चलने वाले आवेगा और यह डूंगरपुर से डंका बजेगा, डूंगरपुर में मेला भरेगा और दिल्ली में डंका बजेगा, दिल्ली में डंका बजेगा तो देश में धरती माता राजपलटो थाएगा और राजपलटो था बोले आज पहली सीढ़ी पहला कदम आज डूंगरपुर में है, जबकि सभी राज्य से सभी लोग आज डूंगरपुर की धरती पर पधारे हैं और वही मावजी महाराज की धरती पर पधारे हैं, जो कि वास्तविक मावजी महाराज ने कहा था उस समय, जबकि उस समय सिंधी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय मावजी महाराज ने बोला था कि दुर्जय दिवा लागे, आज दुर्जय दिवा लागे पढ़िए पौनी दिशा है, पढ़िए पौनी दिशा है और उसी समय कहा था कि आकाश मार का जू जाए एक टाइम आवे क्या हिजड़ा रास करे तो हिजड़ा वाले रास थाई गयो, बीजा वाले रास थाई गयो, तीजा वाले थाई गयो और एक टाइम में जाए गयो चल ये आदेश में आदिवासी ना जाम लो जाके ने आदिवासी ना मेला पर आए तो सोता जब निशिल देवारे आवे तो तेन दाड़ है अना देश ना आक अधिकार और संविधान लागू थाएगा, जो कि इस देश के में जो लोग संविधान के नाम से वोट लेते हैं लेकिन वोट लेने के बाद संविधान को एक तरफ करते हैं, जबकि कमल कांग्रेस के नाम से वोट लेते हैं और नाम लेते हैं किसकी सरकार, मोदी की सरकार, किसकी सरकार, गहलोत की सरकार, जो कि वास्तविक सरकार होती है बनाते हैं पार्टी के नाम से, जो पार्टी के नाम से वोट लेके व्यक्ति विशेष के नाम लेके इस देश में शासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं, वो लोग इस देश को कैसे संभाल सकते हैं। और कोई भी नेता किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का हो, वह कभी भारत देश का नाम नहीं लेता, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता है। जिस देश का नाम भारत है उस देश का नाम लेने में उस पार्टी वालों को शर्म आती है तो क्या वह भारत देश के संविधान की सुरक्षा करेंगे, ये अपन सबको सोचने और समझने की बात है। और इसलिए हमारे देश के यहाँ डूंगरपुर के आदिवासी और अन्य एसटीएससी माइनॉरिटी और कई राज्यों में भ्रमण करने के बाद सभी से वार्ता विलाप करने के बाद
सोचा कि हमारे देश में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, इस संकट से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे देश के सभी लोगों, सभी बुद्धिजीवी आदिवासियों, एससी एसटी के आदिवासियों, ओबीसी के लोगों आदि ने सोचा कि इस देश को बसाना है, संविधान की सुरक्षा करनी है, तो इस देश में नई पार्टी की स्थापना करनी होगी। ऐसा समझकर नई पार्टी को आज आगाज किया जा रहा है। आज नई पार्टी से ये समझ रहा है, ये सीख लेनी है कि हमको जो कि इस देश की संविधान को लागू करना है, धरातल पर और देश में संविधान से की रक्षा करनी है तो बीएपी कर सकती है, संविधान की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो बीएपी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, जबकि इस देश के आदिवासी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, और जो कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मामला हुआ कि पर्यावरण की सुरक्षा आदिवासी ही कर सकता है, ऐसी बात हुई तो क्या आदिवासी नई पार्टी बनाकर क्या इस देश की व्यवस्था या इस देश का संविधान नहीं संभाल सकते है कि क्या? हमारे यहाँ सभी बाहर से मेहमान आए, मीडिया के कर्मचारी है, प्रशासन कर्मचारी है, यहाँ सभी गांव पालों से आए सभी महानुभावों माताओं।